बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं बिल्कुल। और आज जो है व्लॉग में सारे सिर्फ बच्चे नज़र आएंगे क्योंकि बिल्लियाँ जो हैं अभी सो रही हैं, उठेंगी तो एक एक करके खुद ही आ जाएंगी। और ये जो छोटे वाले बच्चे हैं ये भी अब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं और बड़ों के साथ रह के जल्दी एक्टिव हो रहे हैं। और आप लोग भी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा किस किस के पास कैट्स हैं और किटन हैं और उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ मुझे बताना हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। ये आ गई है लेकिन मैंने इनको रोका हुआ है, वरना ये मुँह में दबा के बच्चों को ले जाएगी अपने साथ। बाकी ये माशाल्लाह से खेल रहे हैं सब, ये तो खुश है यहाँ पर, लेकिन इनकी अम्मा को बहुत बुरा लग रहा है, वो चाहती हैं कि इन्हें इनके पास ही छोड़ा जाए। और बाकी सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने सोचा सुबह सुबह आज आपको बच्चों की एक्टिविटी दिखाऊं। इनकी एक्टिविटी बस क्या होती है, ये ऐसे ही खेलते रहते हैं, चीखते रहते हैं और अगर इन्हें नीचे छोड़ दो तो फिर ये हाथ नहीं आते, कहीं भी घुस जाते हैं, कभी बेड के नीचे, कभी अलमारी के नीचे, जहाँ दिल चाहे वहाँ चले जाते हैं, फिर इन्हें बुलाना बहुत मुश्किल होता है। ये देखें, ये देखें, ये चलाकियाँ इनकी। अभी मैंने नीचे उतारती हूँ क्योंकि अब एक ने रास्ता देख लिया है ना, अब दूसरा तीसरा सब ट्राई करेंगे। और ये छोटे वाले तो अभी बहुत छोटे से हैं, बड़े सबसे शैतान यही वाले हैं जो फ़ॉन कलर का है। ये बिल्ली है, ये सबसे ज़्यादा शैतान है, इसकी शरारतें सबसे ज़्यादा हैं। और बाकी सब आपस में ही खेल रहे हैं, लेकिन ये जो है ना अभी वापस आएंगे नीचे। बाकी हमारी C2 जो है ये बैठी हुई है, आ गई वीडियो बनवाने। और ये देखने आई है कि ये जो है पर कैसे चढ़ गया है। बस यही है सारा दिन इन लोग की एक्टिविटी, खेलना कूदना खाना और सोना। और मेरी एक्टिविटी ये है, ये देखें इन्हें वीडियो में आना है। मेरी भी बस सारा दिन यही मसरूफियात है, घर के काम वाम और उसके बाद बिल्लियाँ। बस इनसे ये है कि कहीं आना जाना वो होता है मुश्किल, मुझे इनकी फ़िक्र लगी होती है कि बस जहाँ भी जाओ 1-1.5 घंटे में घर वापस पहुँच जाओ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनको जो है फीड वगैरह करवानी होती है। और फिर मैं ज़्यादा टाइम बिल्ली इनके पास नहीं छोड़ती, फिर इनको केज में छोड़ के बिल्लियों को बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने सीरिलैक और दूध वगैरह ड्रॉपर से दे देती हूँ। ये देखें, ये इसको उतार रही है, ये नीचे चलो नीचे चलो। ये इसको ले गई अपने साथ, ये देखें अब ये एक एक करके इसी तरह बच्चे लेके जाती रहेंगी। बस इसीलिए मैं इनको दूर रखती हूँ। जब बच्चे खोलो ना, इसको ये होता है कि भाई मेरे बच्चे, जबकि ये उसका बच्चा नहीं था, किकी का बच्चा था, लेकिन भाई इसको फिक्र लगी थी कि किकी का बच्चा भी यहाँ क्यों है, तो लेके चली गई। और बस ये स्वीटू ना, थोड़ी सी हमारी दिमाग जो है ना स्वीटू का, जो हमारी स्वीटू है ना, इसका मिजाज बड़ा प्यारा है। ये खेलती भी बहुत है, ये गुस्सा भी बहुत करती है और इसकी हरकतें बहुत प्यारी हैं। किसी दिन मैं पूरा स्वीटू पे ही व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। क्योंकि बहुत मासूम है, उसे आप जहाँ बैठाएं बैठ जाएगी, जैसा बोलें वो करेगी ना। वो मेरे आगे से कभी अपने बच्चे लेके जाने की हिम्मत करती है, बेफिक्र होती है कि यहाँ है कोई मसला नहीं। लेकिन जो स्वीटू है ना, उसके वो बहुत परेशानी है, वो हर वक्त अपनी, वो ज़िद्दी बिल्ली है बहुत, लेकिन मासूम भी है, ज़िद्दी भी है, बात मान भी लेती है और कभी कभी नहीं भी मानती। मारती वारती नहीं है ना काटती है, बस उसको यह है कि जैसे मैं चाह रही हूँ वैसा हो। अब उस अपना बच्चा नहीं था, लेकिन किकी के भी बच्चों पे ना पूरी नज़र रखती है। और ये जो एक फ़ोन वाला बच्चा है ना, ये वाला, इसको तो भाई बहुत ही कोई परेशानी है। ये केज में भी पूरा ऊपर तक चढ़ जाता है, किसी दिन दिखाऊंगी। वो ग्रिल होता है ना, उसके ऊपर चढ़ता है बंदर की तरह, बहुत प्यारा लगता है। और छोटे बच्चे जो है ना, इनको देख देख के शरारतें सीख रहे हैं,
तो वो जल्दी एक्टिव हो रहे हैं। फिर ये चले जाएंगे इंशाल्लाह, फिर दूसरे छोटे बच्चे आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से व्लॉग्स में आपको ना बच्चे के टर्न्स जो है वो नज़र आते रहेंगे बिल्लियों के इंशाल्लाह, और इनसे रौनक भी बहुत होती है। आप यकीन करें पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, इनकी देखभाल में, इनके साथ खेलने में, और घर के थोड़े बहुत काम किए और फिर बिल्लियों के पास। और हमने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है अपना, क्योंकि नीचे भी रखते हैं और छत पे भी रखे हुए, तो ऊपर नीचे इसी में टाइम गुजर जाता है। बस ये इनके खेल ही यही हैं इस वक्त, इन्हें अभी भूख वूख कुछ नहीं लग रही, इन्हें बस खेलना है। और ये और ज़्यादा स्पेस चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर मेरी जो है ना वो दौड़ें लगती रहती हैं, किसी को इधर से लेके आओ, किसी को उधर से लेके आओ। और हमारे घर में ना स्ट्रीट कैट्स भी आती हैं, तो वो जो है ना स्ट्रीट कैट जो है ना वो वैसे तो इन्हें कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे ये करीब जाते हैं ना तो एकदम डराती हैं इनको, तो मैं इस वजह से भी थोड़ा इन पर नज़र रखती हूँ। और बस एक एक करके ये निकलना शुरू हो गए बड़े वाले बच्चे, कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से, बस इनका यही काम है। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि और क्या देखना चाहते हैं बिल्लियों के हवाले से। ये भी बाहर निकल गए, ये भी बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये तो भाई दो तीन बार निकल चुके हैं बाहर। अब जो छोटे बच्चे हैं ना बेचारे बस वो रह जाएंगे। अच्छा आज का मौसम जो है वो ऐसा है कि सुबह बादल आए थे, फिर तेज़ धूप आ गई, फिर बादल आ गए, अब तेज़ हवा चल रही है। और बस थोड़ी देर आप लोग को मैंने सोचा इनकी एक्टिविटी दिखाती हूँ बच्चों की, क्योंकि आज सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया था, मोबाइल मेरा जो थोड़ा सा चार्जिंग में प्रॉब्लम कर रहा था इस वजह से, तो इसीलिए मैंने आज व्लॉग नहीं बनाया। अब आप इन्हें देखें, छोटे वाले बच्चे खेलेंगे, जब ये बड़े बाहर निकल जाते हैं ना फिर ये छोटे वाले खेलते हैं। बस इंशाल्लाह ताला प्रॉपर व्लॉग मैं शाम को सही से बनाऊंगी तमाम बिल्लियों के साथ, और आज शाम को तो इनकी जो इनको खाना खिलाऊंगी ना मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरह खाते हैं और शाम में ये लोग क्या क्या खाते हैं, मेरी जो बिल्लियां हैं वो शाम में क्या खाती हैं, वो सारा मैं इंशाल्लाह शाम के व्लॉग में दिखाऊँगी। और बच्चे भी होंगे, बिल्लियाँ भी होंगी, सबको खाना खिलाते हुए दिखाऊँगी, और जो भी होगा रूटीन शाम की वो आपके साथ शेयर करूँगी। और बस आप लोग इसी तरह मेरी वीडियो लाइक करते रहिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह शाम को, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।